नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे पत्ता गोभी और चने के दाल की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और उतना ही हेल्दी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए हमने ले लिया है पत्ता गोभी। देखिए इस तरह से हमने बारीक बारीक इसे काट लिया है। ये हमने ले लिया है चना दाल, रात भर के लिए इसे हमने भिगो करके रख दिया था। इस तरह से देखिए अच्छे से अब फूल चुका है। अगर आपको इसकी सब्जी बनानी है तो आप 4-5 घंटे पहले भी इसको भिगो सकते हैं। 4-5 घंटे में भी यह दाल बहुत अच्छे से फूल जाती है। सब्जी में डालने के लिए हमने ले लिया है 1 टमाटर काट करके बारीक बारीक, 1 प्याज है हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, लहसुन की कुछ कलियां है इस तरह से हमने इसे कूट लिया है, और 2 हरी मिर्च है इस तरह से हमने इसे काट लिया है बीच से। चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने ले लिया है कटोरी, इसमें डाल देते हैं हम इस तरह से। देखिए मीट मसाला है, इस तरह से आप लीजिए मीट मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। हमने ओरेस्ट का मीट मसाला लिया है, इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब होता है मसाला हमारा। तो इसको हम कटोरी में डाल देते हैं। इस सब्जी को जब भी आप बनाएं तो इस मीट मसाले से बनाएं, मीट मसाला ही लें किसी भी ब्रांड का हो वो। 2 चम्मच के करीब है यह मसाला, देखिए इसको हमने डाल दिया है कटोरी में। अब डाल देते हैं इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच के करीब। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम डालें, अगर लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च डालें आप तड़के में। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। मसाले को भिगोना जरूरी है ताकि मसाला हमारा अच्छे से फूल जाए और हमें इसे भूनने में दिक्कत नहीं हो। इस तरह से आप मसाला भिगो करके जब आप बनाएंगे सब्जी तो बहुत ही अच्छा सा हमारा टेस्ट आता है, मसाले में जलता नहीं हमारा मसाला भूनने पर। तो इस तरह से मसाला भिगो करके आप मसाले का प्रयोग करें। हमने गैस पे रख दिया है कढ़ाई, ऑन कर दिया है गैस को। इसमें डाल लेते हैं सरसों का तेल, 4 चम्मच के करीब हमने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे जीरा, 3 हमने काली मिर्च ले लिया है, 2 लौंग है इसको भी डाल देते हैं तड़के में हम। थोड़ा सा हमारा जल चुका है तड़का, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन जो हमने कूट करके लिया हुआ था इसको, और साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने इस तरह से काट करके लिया हुआ था। थोड़ा सा इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, हल्का सा देखिए ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हींग, हींग जरूर डालें, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खाना हमारा बहुत अच्छे से पकता है हींग से। इसमें डाल देते हैं हम प्याज कटा हुआ, प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन होने देते हैं। प्याज हमारा जब तक ब्राउन होता है दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, अगर हमारे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्याज हमारा हल्का सा देखिए सॉफ्ट हो चुका है और हल्का सा ब्राउन भी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर, जो हमने 1 टमाटर काट करके दिया हुआ था उसको थोड़ा सा हम टमाटर को सॉफ्ट करेंगे। इसके लिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें, जैसा हम या तेज खाते हैं तो हम नमक डाल देते हैं अपने हिसाब से, जैसे हमारी सब्जी हो वैसा हम नमक डालें। नमक डालने से जल्दी ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, गलने लगते हैं और अच्छे से हमारा मसाला भी भून करके तैयार होता है। टमाटर हमारे देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं हल्के से। अब इसमें हम डाल देते हैं अपने मसाले जो हमने भिगो करके रखा हुआ था, इसको डाल देते हैं। कटोरी में अभी मसाला लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके हम इसमें डाल देते हैं। मसाले को हम भूनेंगे जब तक यह कढ़ाई नहीं फूलने लगेगा, जब मसाले से तेल अलग होने लगेगा फिर इसमें हम डालेंगे अपना सब्जी।
मसाला देखिए हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डाल लेंगे दाल, पत्ता गोभी हम नहीं डालेंगे, पहले दाल ही डालेंगे। तो दाल को पहले हम इसमें डाल देते हैं। दाल को इस तरह से हमने मिला लिया है, कैमरा हम ऑन करना भूल गए थे तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इस तरह से हमने मिला दिया है दाल को। अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। आँच हम बिल्कुल धीमी रखेंगे ताकि दाल हमारा अच्छे से गले और जले नहीं नीचे से। इस तरह से हम ढक देते हैं। ढकने के बाद हम इसे बीच बीच में थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे, एक से दो बार। 5 मिनट हो चुका है, हमने खोल करके एक बार इसे चला लिया था, आपको दिखा देते हैं फिर से। देख लेते हैं अपने दाल को गला है कि नहीं। इस तरह से देखिए, आप हाथ से दबाइए, देखिए आधा दाल गल चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना पत्ता गोभी। इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं सारा पत्ता गोभी। इसको मिला देते हैं। इस सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, पत्ता गोभी से खुद ही पानी सूखता है, तो इसके पानी में ही यह सब्जी हमारा पक करके तैयार होगा। सब्जियों के पानी में जब सब्जी पकता है तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप इस सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालें। अब ढक देते हैं इसको और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। इस सब्जी को हम मीडियम और लो आंच पे पकाएंगे। अभी हमने लो कर दिया है आंच को, जब पानी हमारा सब्जी से छूट जाएगा तो हम मीडियम कर देंगे। 5 मिनट हो चुका है, सब्जी को हम खोल करके देख लेते हैं। देखिए सब्जी ने हमारे पानी छोड़ दिया है हल्का हल्का। इस तरह से चला देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 2 चुटकी के करीब, ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही। इसको चला करके हम ढक देंगे फिर से। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि अभी भी पत्ता गोभी से हमारे पानी छूटेगा। और इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि अच्छे से दाल हमारा पक जाए साथ में। ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसे। पांच मिनट हो चुका है, सब्जी को देख लेते हैं। चला देते हैं पहले सब्जी को। देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है। सब्जी का हम दाल देख लेते हैं। देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है। गैस हम बंद कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम धनिया पत्ता, मिला देते हैं इसको। बहुत ही अच्छी सी सब्जी हमारी बनकर के तैयार है। इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा हेल्दी और टेस्टी सब्जी जो आयरन और प्रोटीन से भरपूर है। अगर आपके वहाँ पत्ता गोभी की सब्जी सभी नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप इस सब्जी को बना करके खाइए। चने और पत्ता गोभी का यह सब्जी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, बहुत ही कम मसालों में। तो इस तरह से आप इस सब्जी को एक बार बना करके जरूर ट्राई करिएगा। अगर यह सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।